हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 2023 का प्राइस 12.74 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 24.05 लाख रुपीस तक। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको वैसे तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हमने Z8L और Z4 ही इसके वेरिएंट्स देखे थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका Z6 वेरिएंट। ये आप देख सकते हैं, यह है इसका Z6 वेरिएंट ब्लैक कलर के अंदर डीजल मैनुअल में। इसका ना एक्चुअल प्राइस है 15.64 लाख रुपीस। बाकी आज 1 अप्रैल है, शायद इस वीक महिंद्रा फिर से इसका प्राइस हाइक कर सकता है, क्योंकि ना इसके अंदर BS6.2 डीजल इंजन आ रहा है। आपका Z6 वेरिएंट रहेगा ना, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल का ही ऑप्शन मिलेगा 4x2 में। यहाँ पे आपको ना ही 4x4 मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पर इसके अंदर पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। आज मैं आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स इस कार की बताने वाला हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे आपको Z6 वेरिएंट के अंदर इस कार में ऑफर किया जाने वाला है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह की इसकी फ्रंट व्हील देखने को मिलेगी। सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ पर इसे पूरे देखने को मिल जाते हैं। महिंद्रा लोगो आपके यहाँ सेंटर में दिया गया, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे सिल्वर में आपको मिलेगा। हेडलैम्प यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे पार्किंग लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। फिर फॉग लाइट आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाली है। बाकी फ्रंट से ना आपकी ओवरऑल Z4 जैसी ही बिल्कुल सेम सी लग रही होगी, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो है यहाँ पर नीचे स्किड प्लेट का। ये ना आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है सिल्वर कलर के अंदर। Z4, Z2 के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी पूरी ब्लैक में। और ये अगर आप टॉप एंड वेरिएंट मतलब Z8 या Z8L लेंगे इसमें, तो उसमें आपको फॉग लाइट्स, LED हेडलैम्प्स और क्रोम इंसर्ट्स ग्रिल के ऊपर मिल जाएंगे फ्रंट से। बाकी अब बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की ना, तो ना यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल के अंदर इस पे देखने को मिल जाते हैं 17 इंचेस के स्टील व्हील्स जो कि आएंगे फुल व्हील कवर के साथ। बाकी स्कॉर्पियो लेजर और अलॉय व्हील नहीं लगाओगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो पक्के यहाँ पे अलॉय व्हील्स वगैरह लगने वाले हैं जो भी इस कार को लेने वाले हैं। 245/65R17 टायर प्रोफाइल है। ऑल 4 डिस्क यहाँ पर इसमें मिल रही है। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का मिल जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आप नीचे भी इस पे सिल्वर इंसर्ट्स देख सकते हैं जो कि आपको Z4 वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे डोर हैंडल्स बॉडी कलर रहने वाले हैं। क्रोम विंडो लाइनिंग इसमें नहीं आएगी, इन्हें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं, फोल्ड आपको यहाँ पे इन्हें मैन्युअली करना पड़ेगा। इंडिकेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं LED में आपको दिया जा रहा है, बट इक्वेंशियल साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं। रूफ रेल्स भी आपको यहाँ सिल्वर कलर में इसमें मिल जाएगी। सनरूफ भी इस कार के अंदर आपको यहाँ पर इसमें दी जा रही है। बाकी कुछ ऐसे इसके यहाँ पर वाइपर्स रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है एडनॉक्स एक्स की बैजिंग, क्योंकि इसके अंदर आपको कनेक्टेड फीचर्स वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक डीजल में ये कार आ रही है। Z6 में पेट्रोल ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे DF का अलग से आपको टैंक मिल जाता है। पीछे कुछ इस तरह के आपको यहाँ टेल लैंप्स मिल जाती हैं, LED के अंदर आपको ये दी जा रही है। इंडिकेटर यहाँ पे इसमें हेलोजन में दिया जा रहा है। बाकी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रेक लाइट स्पॉइलर के साथ है। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलता है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग आप देख सकते हैं, महिंद्रा का यहाँ लोगो दिया गया। कैमरा वगैरह आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे कार का कंप्लीट मिल जाता है। एंड ओवरऑल बैक से आपको ये कार कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। पीछे से ना यहाँ पे Z6, Z8 और Z8L के अंदर कोई भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय एक रिवर्स पार्किंग कैमरा के। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे नीचे, साथ ही क्रोम इंसर्ट्स हैं इस पर, और साथ ही यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर्स भी इसमें मिल जाते हैं। और ना अब मैं आपको एक बारी कंप्लीट बैक साइड का लुक दिखा देता हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के Z6 वेरिएंट का। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट बैक साइड का लुक इस कार का। और अब चलते हैं कार के अंदर। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर पैड जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का कंप्लीट देखने को मिलेगा, ड्यूल टोन के अंदर ही आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्विटर है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो ट्विटर। बाकी डोर हैंडल ब्लैक में है, साथ ही मैट ब्लैक में आपको ये वाला पूरा पार्ट मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक्स आपको यहाँ पर पूरे दिए जा रहे हैं। सॉफ्ट टच वगैरह आपको यहाँ पर कहीं पर भी इसमें नहीं दिया जा रहा है। बाकी नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर, ये वाला पार्ट आपको यहाँ सिल्वर में दिया जा रहा है। Z4 के अंदर ये वाला भी आपको पूरा ब्लैक में ही मिल जाता है। और डोर ओपनिंग की बात करें तो डोर इसके ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाते हैं। अंदर आते ही आपको यहाँ देखने को मिलते हैं मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट, जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लंबर सपोर्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा। मैनुअली आपको यहाँ पर इसे पूरा सेट वगैरह करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक मिलने वाला है इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड का। बाकी तो यार अब मैं कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मतलब मेरे हिसाब से आप पहली वीडियो देख रहे हैं Z6 वेरिएंट के, जहाँ पे आपको प्रॉपरली सभी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। 100K भी शायद आज हमारे पूरे
हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे अब अगर इसकी कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की कीज मिलेगी, लॉक अनलॉक ऑप्शन साथ आएगी। टिकट ओपन का भी आपको यहाँ पे बटन इस पे मिल जाएगा, दूसरी की आपको बिल्कुल नॉर्मल कीज पे दी जा रही है। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तांचूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो की है इन्वॉल्व का स्प्रिंग वाटर या परफ्यूम। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें बहुत ही कूल एंड रिफ्रेशिंग से आपको यहाँ पर इस परफ्यूम से ओवरऑल फ्रेग्रेंस मिल जाती है। इसके साथ में ना आपको यहाँ पर एक हैंगिंग टैग भी मिलेगा जिसके ऊपर की ना आपको यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से स्प्रे कर देना 2 से 3 बार, एंड उसके बाद इसकी पूरी फ्रेग्रेंस आपकी कार के अंदर फैल जाएगी। फ्रेग्रेंस यार मतलब ऐसी आपको मिलेंगे जैसे कि आप किसी एक फॉरेस्ट में, वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा वाटरफॉल हो रहा ना, जिस टाइम पे आपको रिफ्रेशमेंट एहसास होती है वो आपको यहाँ पर इसको कार के अंदर स्प्रे करने के बाद आने वाली है। बाकी स्कॉर्पियो है और वाटरफॉल का कनेक्शन थोड़ा अलग ही है। बाकी फिलहाल इसको यहाँ पर रख देते हैं इस बॉटल होल्डर के अंदर, एंड बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ से हम इसका पहले हुड खोल सकते हैं, और इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ना आपको इसके अंदर मिल जाता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि ना इस कार के अंदर प्रोड्यूस करता है अराउंड 173 पीएस की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, एंड ऑटोमेटिक में ये टॉर्क बढ़कर हो जाता है 400 न्यूटन मीटर्स का। ऊपर आपके यहाँ इंसुलेशन वगैरह इसमें प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है, एंड BS6 फेस 2 वाला इंजन अभी आप ये देख रहे हैं, एंड हुड यार बहुत ही ज़्यादा हैवी है इस कार का। एंड फिलहाल करते हैं बंद, 5-star बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ मिलती है, कसम से बहुत ज़्यादा हैवी हुड है इस कार का। और अब ना बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको यहीं पर इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट वगैरह आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एसी वेंट, नीचे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, बाकी ये वाला पार्ट आप देख चुके हैं। और अगर बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस कार में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट की तरह आपको ये ऑफर किया जा रहा है। काफी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पे ओवरऑल इसके अंदर मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। TPM में आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, बाकी लगभग सेम ही आपको टॉप एंड वेरिएंट की तरह फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं, लेदर ऐप आपको ये इसमें नहीं दिया जा रहा है। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, इधर आपको मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स मिलते हैं, इधर हेडलैम्प क्ली टॉगल, इधर इस पर वाइपर क्ली टॉगल। एडजस्टमेंट की अगर इसकी बात की जाए तो इसे ना आप यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल डैशबोर्ड डिजाइन कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर कम्प्लीट मिल जाएगा। सेंटर में आपके यहाँ पर 8 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जा रही है, जैसे कि आपको बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर अभी फिलहाल वर्क कर रहा है, एप्पल कारप्ले भी जल्दी आ जाएगा, और आपके यहाँ AM/FM ब्लूटूथ और USB जैसे फीचर्स तो बेसिक इसमें मिलते हैं। यहाँ खाली स्टोरेज स्पेस आपको दी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक है पूरे, कहीं पे भी सॉफ्ट टच आपके यहाँ पर इसमें नहीं मिलने वाला है। स्कॉर्पियो N की आप यहाँ पर बैचिंग देख सकते हैं, नीचे आपके यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे। पूरी ग्लॉसी ब्लैक सी थीम आपको यहाँ पे दी गई है, तो ना इतना कोई खास पता नहीं लगता टॉप एंड और इसमें इतना कोई खास डिफरेंस हो। अंदर से तो ऐसे आप देखो बिल्कुल ही सेम टॉप एंड वेरिएंट की तरह लगती है यार। यहाँ पर फिर आपको और भी काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर है SOS का बटन, फिर एक ब्लैंक बटन दिया गया, ऑटो इंजन ऑन ऑफ इसके अंदर आ रहा है, हजार्ड लाइट का स्विच आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और साथ ही ड्राइव मोड्स भी इसमें आ रहे हैं। ड्राइव मोड्स के अंदर आपको यहाँ पे जिप ज़ैप ज़ूम 3 मोड्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है, तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट्स मिलते हैं, एक है यहाँ पे एप्पल कारप्ले वगैरह के लिए और एक है यहाँ पे फोन को चार्ज करने के लिए। गियर लेवर कुछ इस तरह का आपको यहाँ मिलने वाला है, रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पर इस पे कैमरा का डिस्प्ले नहीं मिलेगा, बट सेंसर्स का डिस्प्ले आपको यहाँ पे जरूर से मिल जाएगा इसकी बड़ी स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स दिए गए, फिर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, हैंड ब्रेक पीछे आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी दिया गया जो क्या था स्टोरेज स्पेस के साथ, एंड काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक ठाक से आपको ये मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं फ्रंट सीट की, तो ना आपको ये वाली सीट ही मैं कार से उतर के दिखाता हूँ। उधर तो इसके अभी फुट स्टेपर्स जो कि इंस्टॉल होंगे कार के अंदर यहाँ पर जब कार डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगी। सीट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आने वाली है, यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ब्राउन ड्यूल टोन के अंदर पूरी फैब्रिक सीट्स इसमें दी जाने वाली है। आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ ऐसी ये सीट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिल रहा है, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर इसमें कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ मिलेगा, एंड कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर ये इसमें दिया जा रहा है। और वहाँ पे ट्विटर है, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है। और इसके अंदर सनसीट के अंदर वैनिटी मिरर नहीं आ रहा है, मैनुअल डे नाइट IRVM, रूफ लाइट्स LED में, सनग्लास होल्डर है, ब्लूटूथ माइक है, इधर आपको अगेन कुछ भी नहीं मिल रहा है। सनरूफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इतने साइज की सनरूफ मिल जाएगी इस वेरिएंट के अंदर, जो कि आप ऐसे कुछ ओपन कर सकते हैं। वेंटेज ओपन वाला फंक्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको लगातार प्रेस कर ही इसको रखना पड़ेगा। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ इतनी ओवरऑल वाइड ओपन होती है, एंड ऊपर आप व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है। एंड इसको फिलहाल कर देते हैं यहाँ से बंद, तो ये हो गई है बंद, एंड इसे आप ऐसे ऊपर की तरफ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार ना चेक करते हैं कि इसके अंदर
ऊपर की तरफ क्या कवरिंग वगैरह किस तरीके की इस बार दी गई है, क्योंकि अपडेट हुई है ना अरुण की वीडियो के बाद, जैसे उसमें Z8L के अंदर तो उन्होंने पूरा ऊपर प्लास्टिक सा लगा दिया, प्रॉपर कवर कर दिया। इसके देखते हैं इसके अब क्या करें। तो इसके आप देख सकते हैं ये थोड़े एक्सपोज्ड ही हैं, बट हाँ थोड़ी सी यहाँ पे आपको अंदर कुशनिंग वगैरह तो दिख रही है, तो थोड़ा ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप है इसका। सनरूफ का ऊपर से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ये सनरूफ रहने वाली है। और अब बात की जाए अगर इस कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको इस कार के अंदर फ्रंट 2 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं। 6 एयरबैग्स आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिल जाएंगे, और आपको यहाँ ABS, DVD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स, सीट माउंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इस कार में मिल जाते हैं। और अब चलते हैं इसकी बैक सीट में, चलकर चेक करते हैं बैक सीट का भी कैसा आपको यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। तो ये सबसे पहले तो इसका बैक डोर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूल टोन के अंदर आ रहा है, सिल्वर इंसर्ट्स इसमें ऐड ऑन हो गए, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक से आपको हर जगह मिलेंगे। पावर विंडो का स्विच है, ये इसका डोर हैंडल, नीचे स्पीकर, साथ ही बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें तो टेबल डोर भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, कार के अंदर एंटी एग्जिट में आपके यहाँ पे बैक सीट में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये रखे गए हैं इसके फिलहाल व्हील कवर, जिन्हें हम आगे खिसका देते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर इसकी सीट्स दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो एडजस्टेबल टाइप की हेडरेस्ट मिल रहा है, एक फिक्स टाइप का आपको यहाँ मिल रहा है, और सेंटर में ना इसके अंदर आपको यहाँ आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, बाकी सीट्स अभी पैक्ड है। इसके अंदर आपको बॉटल होल्डर्स भी दो मिल जाएंगे। एंड सीट्स मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ऐसी कुछ ही आपको यहाँ कम्प्लीट सीट्स इसमें मिलने वाली हैं। बाकी यहाँ पर आपको इसके अंदर 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे AC कंट्रोल है, टाइप सी आपको यहाँ पोर्ट्स मिल जाते हैं। सेंटर में थोड़ा सा कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी इसकी वजह से। बाकी ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेडरूम मेरे को इस कार के अंदर मिल पा रहा है। मैप पॉकेट्स इस कार में आ रही है, बाकी अब चलते हैं इसकी बैक सीट में, देखते हैं कि बैक सीट का कैसा कुछ आपको कंफर्ट मिलने वाला है। बेसिकली यार बैक सीट में मैं नहीं जा रहा अंदर, आपको यहाँ से एक बारी वैसे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जगह है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ये सीट्स रहने वाली है, 2 हेडरेस्ट आपको यहाँ पर इनमें मिलेंगे, AC वेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसकी बैक सीट में। ये है कम्प्लीट सीट्स, ये आप देख सकते हैं। बाकी स्पेस वगैरह वही छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे ठीक ठाक है, बाकी जिनकी हाइट मेरे जितनी है 6 फीट जितनी, तो उनके लिए यहाँ पे इतनी कोई खास जगह नहीं है। बाकी इसको आप फोल्ड कर ही रखोगे तो ये आपका सामान पीछे आएगा, अगर ये ऐसे रहेंगे तो पीछे सामान आपका आ ही नहीं सकता। और 50-50 स्प्लिट फंक्शन भी नहीं दिया उन्होंने, तो वो दे देते तो एक जना बैठ जाते, एक सामान रख लेते, तो ऐसे भी काम आ सकती थी, जो कि XUV700 के अंदर इसमें आपको नहीं मिली है। बाकी एक बैक सीट के अंदर ना यहाँ पे रूफ लाइट आपको नहीं मिल रही है, ये काफ़ी कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा हुआ लोगों की रूफ लाइट है या नहीं है, ये डाउट था लोगों को, तो रूफ लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। थर्ड रो के अंदर ये आ रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं LED के अंदर रहने वाली है, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस वगैरह मिल जाएगी। और अब ना चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो इसके टेलगेट को ना आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ये साइडवेज ओपन होगा, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेगा, एंड ऐसे कुछ ही आप ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं कुछ इतना ही कम्प्लीट रहने वाला है। ओवरऑल ठीक ठाक सी जगह, मतलब छोटे से 2 बैग्स आप रख सकते हो, बट अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो फैमिली के साथ तो उसके लिए इतनी जगह नहीं है यहाँ पर। ये वाली सीट को आप यहाँ पे ज़रूर से फोल्ड कर पाएंगे, कुछ ऐसी फोल्ड हो जाती हैं, ऐसे में पहला पार्ट होएगा, फिर ये उसके बाद ऐसे दूसरा पार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ होके फोल्ड, ये आप देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ ओवरऑल कुछ इतनी इसकी जगह मिल जाएगी। और ना अब बंद करते हैं इसके टेलगेट को और बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 डीजल मैनुअल वेरिएंट का ना अभी फिलहाल एक शोरूम प्राइस चल रहा है 15.64 लाख रुपीस, एंड प्राइस इसका बहुत ही जल्द बढ़ भी सकता है, क्योंकि अप्रैल यहाँ पे स्टार्ट हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर है, और BS6 फेज 2 इंजन आया, तो मेरे हिसाब से बढ़ने वाला है 75,000 के आसपास। बाकी जिन लोगों की इंट्रोडक्टरी प्राइस पे बुक है वो तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि उनको 14.99 पे ही ये मॉडल मिलने वाला है। एंड आपको ओवरऑल ये मॉडल इस कार का कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट लगा। और साथ ही ना आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ना लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के स्प्रिंग वाटर एयर परफ्यूम का, जिसे कि जाकर आप ज़रूर से बाय कर ले, ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर एक बहुत ही मस्त सी फ्रेग्रेंस का मसा ले सके। बाकी स्कॉर्पियो इनके सभी वेरियंट्स का प्रॉपर डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो चैनल पर आने वाला है, तो ज़रूर से सभी वेरिएंट्स को चेक कर लें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं महिंद्रा की या किसी भी और कंपनी की किसी भी कार को कवर करूं, तो आप मेरे को ज़रूर से बताना, मैं आपके लिए ज़रूर से वो वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।